हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं फिर से आपके साथ कुछ वीडियो लेकर के आ गई हूँ शेयर करने के लिए। तो आज मैं आपको एक ऐसा वीडियो शेयर करने वाली हूँ जिसे अगर आप देखिएगा तो आप सोचिएगा काश पहले पता होता। अगर आपका हेयर फॉल होता है, बाल लंबे नहीं हो रहे हैं, बाल घने नहीं हैं, तो आज आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो इससे लगाने से आज मैं आपको बताऊंगी कि एलोवेरा के क्या फ़ायदे होते हैं बाल में लगाने से। अगर आपके घर में एलोवेरा है और अगर आपको उसका यूज़ पता ही नहीं है, तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एलोवेरा के फ़ायदे, बाल में कैसे ग्रो करना है, कैसे बड़ा करना है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले आपको एलोवेरा तोड़ लेना। देखिए, यहाँ पर मैं एक एलोवेरा तोड़ ली हूँ, आप लोग देख रहे हैं। यहाँ पर मेरा ढेर सारा एलोवेरा का पेड़ है। अगर आप लोग को एलोवेरा का कोई भी यूज़ नहीं पता है, फेस के लिए भी जानना है, तो आप लोग एक बार कमेंट कीजिएगा, मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आ गई हूँ मैं करी पत्ता लेने के लिए। आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे करी लिप्स है, बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। अगर आपका हेयर फॉल हो रहा है, हेयर ग्रो नहीं हो रहा है, टूट रहा है, तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा होता है। अगर आपके आपको किसी भी तरह का कोई भी समस्या है पेट से रिलेटेड, तो आप करी पत्ता अगर खाती हैं तो वो भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। तो यहाँ पे मैं दो करी पत्ता ले ली हूँ। अगर आप ज़्यादा बनाना चाहते हैं हेयर रेमेडी, तो आप ज़्यादा करी पत्ता लीजिएगा। मैं यहाँ पे दो करी पत्ता ले रही हूँ। आप लोग देख रहे हैं फ्रेंड्स कि यहाँ पर मैं गार्डन में करी पत्ता लगा के रखी हूँ। बहुत ही अच्छा पेड़ है, ग्रो पेड़ है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ करना क्या है।
देखिए इसमें उबाल आ गया है, देखिए फूल कितना चल रहा है, देखिए कितना चल रहा है कलर, काफ़ी अच्छा लग रहा है। देखिए उबाला नहीं है, इस स्टेज पे जो है देखिए उसको ऑफ कर देना है, उसको बिल्कुल ठंडा कर देना है फ्रेंड, बिल्कुल इसको जो है हमको ठंडा करना है। लंबा करेगा, घना करेगा बालों को, तो उन्हें वहाँ से बचाएगा, बहुत ही ज़्यादा सिल्की और शाइनी बनाएगा। पत्तों को पीस के मैंने बनाया है, एक बार मेरे कहे अनुसार इस वीडियो को जरूर आप बनाएं और रिज़ल्ट खुद ब खुद पाएंगे। देखिए बहुत ही अच्छा लग रहा है फ्रेंड, आशा करती हूँ कि वीडियो बहुत अच्छी लगी हो, अच्छी लगी हो तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फ्रेंड्स। मिलती हूँ एक अच्छी अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।